What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 13th अप्रैल 2020 मंडे है, सुबह के 8:31 हो रहा है। तीन दिन के छुट्टी के बाद नया वीक शुरू हो रहा है, कल भी फिर से छुट्टी है, तो काफी एक स्लगिश मूव देखने को मिल सकता है। थर्सडे को भी एक वोलेटाइल मार्केट था, एक रेंज के बाद अपसाइड जरूर था, लेकिन एक रेंज में ट्रेड हो रहा था काफी देर तक, और उसके बाद लास्ट कुछ आवर्स में एक मूव दिखाई दिया था। तो सबसे पहले कल के यानी थर्सडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। ये एक पिक्चर है 9th अप्रैल का, यानी थर्सडे का आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ था। अगर आपको उस दिन का वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 9035 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8701। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये दोनों लेवल के बीच में ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरू में इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था ब्रेकआउट लेवल, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया हमारा फर्स्ट टारगेट 9115 ये यहाँ पर अचीव हुआ और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ये क्लोज भी हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ था ये थर्सडे के लिए। तो थर्सडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 42 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 31,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था थर्सडे के एनालिसिस का रिव्यू। थर्सडे के बाद तीन दिन का अगर कोरोना वायरस का स्टेटस देखे इंडिया का, तो काफ़ी अच्छा नहीं है। जो पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो काफ़ी हद तक अच्छी है। यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स बाहर के कंट्रीज़ के हिसाब से इतना नहीं बढ़ रहे, काफ़ी पॉपुलेशन है हमारा उसके हिसाब से देखे तो ज़्यादा अभी तक टेस्ट भी नहीं हो चुके हैं। अगर टेस्टिंग अगर हम बढ़ा देते तो और भी नंबर ये बढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक इसके प्रोसेस में शुरू प्रोसेस जो है इसको प्रिवेंट करने का, उसमें हम अभी आ चुके हैं। तो चाइना को 76 डेज लगे थे, हमें कितने लग सकते हैं ये पता ही नहीं, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के प्रोसेस में हम अभी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो इंडस्ट्री है ये लॉकडाउन पीरियड के बाद हर एक इंडस्ट्री के लिए रूल्स चेंज हो सकते हैं। अगर इसका वैक्सीन हमें जल्द से जल्द नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ला सकती है, आगे का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र जैसे जैसे रूल्स और रेगुलेशन हर एक इंडस्ट्री के लिए आते जाएंगे उस तरह से हमें एनालिसिस करना होगा। अगर फार्मा इंडस्ट्री देखें तो दुनिया भर में अभी जैसे कि 4-5 दिन से आप न्यूज़ देख रहे हैं तो काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है दवाई सर्दी के लिए, खांसी के लिए और मोस्ट फीवर के लिए, मलेरिया की दवा है, टाइफाइड की दवा है, सारी कंट्रीज 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बूम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर 30 मार्च को ही ये न्यूज़ था कि सिप्ला COVID-19 के ऊपर दवाई बना रही है, रिसर्च चल रहा है। उसके बाद इपका लैब और ये कैडिला जो कंपनीज है उनको गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया है दवाई बनाने के लिए। तो उसके बाद ज़बरदस्त फार्मा इंडस्ट्री में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर देखना होगा कि लॉकडाउन पीरियड के बाद गवर्नमेंट के क्या रूल्स आते हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए, उसके हिसाब से हमें पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करना होगा। और एक एक्टिविटी है और एक ये जो बाइंग और सेलिंग मार्केट में है या नहीं ये पता होने के लिए और एक सिग्नल है जो कि FII DII का एक्टिविटी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इससे मार्केट में सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। अगर आप ये चार्ट देखें तो यहाँ पर FII DII का एक्टिविटी यहाँ पर ड्रॉ किया गया है वर्सेस निफ्टी। ये जो रेड कलर में जो बार है ये FII की एक्टिविटी हमें प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो येलोइश टाइप का ये जो ग्रीन बार है ये हमें DII का एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो जीरो लाइन है इसके नीचे 24th फरवरी के बाद ये जो रेड कैंडल है काफ़ी कंटिन्यू ये रेड कैंडल है, यानी FII का जो मूड था वो पूरा का पूरा सेलिंग का मूड था 24th फरवरी के बाद। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो 25th फरवरी के बाद हमने कोरोना वायरस का अपडेट देना शुरू किया था अपने वीडियो में, तो वहाँ पर 25th फरवरी को एक न्यूज़ आया था कि चाइना से अभी ये यूरोप तक पहुँच गया है कोरोना वायरस। तो इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ये हम 25th फरवरी से लगातार अपने वीडियो में ये बताते आ रहे थे,
तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं रेड बार्स, ये जीरो लाइन के नीचे यानी नेट परचेस माइनस में चल रहा है एफआईआई का। तो अभी लास्ट 3 दिन से देख सकते हैं आप, ये जो एफआईआई का मूड है यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, बाइंग चल रहा है एफआईआई की तरफ से। ये नेट परचेस के फिगर्स देखें तो लास्ट 3 दिन से ये ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है, उससे पहले लगातार रेड कलर में दिखाई दे रहे थे, यानी कंटिन्यू सेलिंग चल रही थी एफआईआई से। तो मूड यहाँ पर एफ आई एस का भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक सिग्नल होता है बाइंग और सेलिंग मार्केट में क्या चल रहा है ये देखने के लिए। जैसे कि हम चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसी की तरह इसे भी देखना ज़रूरी होता है, एक आइडिया आ जाता है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट देखे तो फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए थे, यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए, वहाँ पर भी एक प्रोसेस चल रहा है लॉकडाउन का। तो हो सकता है यहाँ से अभी कुछ दिनों के बाद ये कोरोना वायरस से थोड़ी सी राहत मिले, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके फिर से एक बार ये जो दुनिया पटरी में आ सकती है, अपनी इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर से ये शुरू कर सकती है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिल जाता है और WHO की तरफ से इसका अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक यहाँ पर कोरोना वायरस 100% अभी चला गया है ऐसा कहा नहीं जा सकता। एशियाई बाजार देखे आज तो SGX निफ्टी 53 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेडिंग कर रहा है, और डाउ फ्यूचर को देखे तो 269 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर बना हुआ है। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर देखें तो लास्ट के लास्ट वीक यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, यानी ये जो हाई है और ये लो, इसके बीच में ट्रेडिंग चल रहा था। अभी लास्ट वीक इसने इसके हाई के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, तो ऊपर यहाँ से अगर ये मूव होता है तो एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% का ये जो 9390 का लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ऊपर जाते वक्त निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल फेस कर सकता है। तो वीकली चार्ट में इनसाइड बार ट्रेडिंग के बाद ऊपर की तरफ निफ्टी हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसने जो इनसाइड बार कैंडल बना था इसका हाई का जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। डेली चार्ट पर देखें तो लैगिंग इंडिकेटर है MACD, ये भी अभी पॉजिटिव इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, लेकिन ये अभी भी जीरो लाइन के नीचे है। तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी एक पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पर कि मूवमेंट जो है अपसाइड मूवमेंट ये यहाँ से शुरू हो सकता है। ऊपर देखे प्राइस एक्शन में तो 20 EMA के ऊपर इसने क्लोज दिया है, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था 20 EMA को इसने क्रॉस किया था, ऑलमोस्ट 20th February के बाद इसने फर्स्ट टाइम इसको निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, ये जो 20 EMA है इसके ऊपर आके क्लोज दिया ऑलमोस्ट 1 month के बाद। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ये चला जाता है तो एज पर फिबोनाची ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है 9390 यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है। अभी 20 EMA एक सपोर्ट का काम कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट 9000 के आसपास है, तो 9000 सपोर्ट हो सकते हैं। अगर 9000 फिर से अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ आते वक्त 8670 के पास ये सपोर्ट ले सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखे तो हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और इसका ये जो नेक लाइन बन रहा था इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ से हमें अभी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन हो पाता है, कैंडल ग्रीन बनता है यहाँ पर, तो और भी यहाँ से अपसाइड मूव हमें सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है, कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर देखें तो वेनसडे को इस लेवल के पास से फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया था, और अभी थर्सडे को भी इस लेवल के पास आके ये एक हर्डल फेस कर रहा था। तो यानी ये जो थर्सडे और वेनसडे का जो हाई है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 9129 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा R1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है, यानी 9190 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9233, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो हमने देखा डेली चार्ट में 20 EMA 9000 के पास आ रहा था और यहाँ पर भी एक 9000 के पास एक स्विंग लो बना है, छोटा सा स्विंग लो बना है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखिए ये स्विंग लो बना है। तो इसके नीचे यानी 8998 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक छोटा क्विकली टारगेट होगा पिवट पॉइंट का, इस वन का लेवल जो कि 8968 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 8901, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।